सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। आज गीता जयंती है, इस पर ये विचार किया जाता है कि आज का ही दिन ठीक गीता जयंती के निश्चय किया गया, इसके लिए क्या आधार है। प्रथम तो ये विचार करना चाहिए, ये मंगसर का ही महीना था या इसके पहले पोष का महीना, माने इसके आगे का पोष का महीना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है, अथवा कार्तिक का महीना मान लिया तो क्या आपत्ति है। तो इस विषय में विचार करना चाहिए कि कार्तिक का महीना भी नहीं माना जा सकता, पोष का भी नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता कि महाभारत के भीष्म पर्व की तीसरे अध्याय के वहां वेदव्यास जी महाराज जो है धृतराष्ट्र से मिले हैं, और यह बात कही धृतराष्ट्र से कि आज का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का चंद्रमा को देख करके वेदव्यास जी ने कहा कि इस चंद्रमा को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि युद्ध ऐसा होगा, युद्ध होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा लाल है और कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा का चंद्रमा जब लाल हो तो भविष्य के माँ भारी युद्ध की संभावना है। इसलिए करु पांडवों का भयंकर युद्ध हमारी धारणा में अवश्य होने वाला है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा की ये बात है, वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं तो उस समय तक युद्ध नहीं हुआ था, और युद्ध के पहले ही गीता उसी दिन आरंभ की गई। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कार्तिक महीने के बीच के माह गीता ऐसा आपने नहीं कही गई। अभी आता है कि पोष के महीने में या माघ के महीने में मान ले, तो माघ के महीने में इसलिए नहीं मान सकते हैं कि भीष्म जी महाराज जो है उन्होंने माघ के महीने में अपने शरीर का त्याग किया, और ये बात भी आती है कि भीष्म जी 58 दिन तक भूमि में पड़े रहे और राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। युद्ध के 10वें दिन भीष्म जी मारे गए और 8 दिन और उसके बाद युद्ध हुआ। तो भीष्म की मृत्यु के 58 दिन तक भीष्म जी महाराज सबसे ज्यादा पड़े रहे, युद्ध के मां गिराए गए किंतु उनके प्राण नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब हम प्राण छोड़ेंगे। तो 10 दिन तक भीष्म ने युद्ध किया और उसके बाद 5 दिन तक द्रोणाचार्य ने युद्ध किया और 2 दिन तक कर्ण ने और 1 दिन शल ने और दुर्योधन ने, इस प्रकार से 18 दिन तक एक तार युद्ध होता रहा। उसके बाद के बीच के मां पांडव जो है श्री कृष्ण जी जो है ये भीष्म जी के पास में गए और भीष्म जी ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। वो उपदेश भीष्म जी के प्राण नहीं गए तब तक देते रहे, प्रातः काल रोज सब इकट्ठे होते और सायंकाल संध्या के समय वहां से अपने अपने घरों में आ जाया करते थे। इस प्रकार से थी आपने ये चलता रहा। और सूर्य भगवान की उत्तरायण आने पर माघ शुद्धि के बीच के मां भीष्म जी ने अपने शरीर का त्याग किया, तो पोष का महीना हम पोष शुद्धि का महीना नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत दिन तक भीष्म जी जो है ना भूमि के ऊपर, तो इससे थी 2 महीना का लगभग जो है फर्क होना चाहिए, तो इसलिए पोष शुद्धि नहीं ली जा सकती, पोष का महीना भी नहीं लिया जा सकता। बोले पोष बदी ले ली जावे, बोले पोष बदी यूं नहीं ली जा सकती कि पोष बदी के लेने से थी जो गीता का जो कथन है वो आपने शुक्ल पक्ष में हुआ, शुक्ल पक्ष के लिए ये बड़ा भारी प्रमाण है। भीष्म जी के गिर जाने पर द्रोणाचार्य जी सेनापति बनाए गए और 5 दिन तक द्रोणाचार्य जी ने युद्ध किया। शुरू से 14वें दिन की रात्रि के वहां भी युद्ध हुआ कि 14वें दिन सायंकाल जब जयद्रथ मारे गए तो
कैरों के एक प्रकार से बहुत चिंता हो गई, तो उन्होंने फिर युद्ध बंद नहीं किया। नहीं तो सायंकाल युद्ध बंद किया जाता था और रात भर युद्ध होता ही रहा। आधी रात के बाद चंद्रमा उदय हुआ, बीच में थोड़ी बार के लिए युद्ध बंद कर दिया गया। जब आपसी के बीच के मां लोग कटबड़ करके मरने लगे, तो लोगों ने अर्जुन से प्रार्थना की कि अंधेरी रात है और इसमें ये पता नहीं लगता कि कौन हमारी पक्ष का है, कौन शत्रु की पक्ष का है, तो अपने पक्ष वालों को भी अपने पक्ष वाले मारने लगे। और लोगों का संकट दे करके और अर्जुन ने घोषणा कर दी कि युद्ध बंद हो जाए। जब चंद्रमा उदय होंगे उसके बाद में फिर युद्ध ऐसो आरंभ होगा, युद्ध ऐसो बंद कर दिया गया। फिर आधी रात के बाद जब चंद्रमा उदय हुआ, फिर युद्ध ऐसो फिर आरंभ हो गया। तो आधी रात के बाद चंद्रमा जो उदय होता है वो कृष्ण पक्ष में होता है, तो इसलिए 14 दिन उससे बाद दे दिया जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष ठहरती है। इसलिए गीता जो है कृष्ण पक्ष में नहीं कही गई, शुक्ल पक्ष में कही गई। तो माघ शुक्ल पक्ष में तो भीष्म जी ने प्राण त्याग कर दिए, और पौष शुक्ल पक्ष इसलिए नहीं लिया जा सकता कि भीष्म जी 58 दिन तक भूमि पर रहे, और कार्तिक की शुक्ल पक्ष इसलिए नहीं ली जाती कि कार्तिक सूर्य पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके वेदव्यास जी कहते हैं कि युद्ध होने वाला है। तो इन सब बातों को ख्याल में लाकर करके और मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष ही निश्चय की गई। अब ये विचार करना रहा कि एकादशी का दिन कायम कैसे हुआ, शायद द्वादशी या त्रयोदशी होए। बोले नहीं, आधी रात के बाद का जो चंद्रमा है वो नौमी का चंद्रमा होना चाहिए, और नौमी में 13 दिन घटा देते हैं। कृष्ण पक्ष की पौष बजी कृष्ण की नौमी में 13 दिन घटा देते हैं। तो मार्ग शीर्ष से आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी आकर के ठहर दी। तो इन सब बातों का विचार करके के अच्छे अच्छे विद्वानों ने और पंडितों ने यही निर्णय किया कि मार्ग शीर्ष से शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वही ठीक है। तो ख्याल करना चाहिए, महीने का जो निर्णय है और शुक्ल पक्ष का जो निर्णय है, यह तो चंद्रमा से किया गया। महीने का जो निर्णय है ये भीष्म की मृत्यु से भी किया गया, उत्तरायण से। उत्तरायण के समय में भीष्म जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। और तिथि का जो निर्णय है वो रात्रि के समय नौमी के चंद्रमा को देख करके, और ये तिथि उससे ली गई कि 14वीं रात्रि के समय के बीच के मां जो है ये अपने चंद्रमा के उदय होने पर युद्ध फिर आरंभ हुआ। तो उसमें ये अपने 13 दिन युद्ध हो चुका था, 14वां दिन का वो युद्ध था। संभव है कि एक तिथि बीच में टूट गई हो, ये सब ख्याल कर कर करके और मार्ग शीर्ष से शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही गीता कही गई, ये निश्चित हो गया। अच्छे अच्छे विद्वानों ने इस विषय में उहापोह करके के और ये निर्णय किया। एकादशी के दिन गीता अर्जुन के प्रति भगवान ने कही, ये ठीक है। उत्सव मनाने का क्या प्रयोजन है? उत्सव मनाने का ये प्रयोजन है कि हमारे देश के बीच के वहां गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे देश में ही नहीं, हम ये कह दें कि पृथ्वी भर के बीच के मां गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, तो अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि सारी पृथ्वी के सारे देश के लोग और विदेशी लोग और विधर्मी लोग, ये भी सब एक प्रकार से थी गीता का आदर करते हैं। उनके देशों में या उनके धर्म में कोई गीता जैसा और पुस्तक होता
तो वे कहते हैं कि गीता से भी बढ़ करके हमारे देश में ये ग्रंथ है। गीता की जो भाषा है यानी संस्कृत भाषा, वो बड़ी सरल है, बहुत ही मधुर है और अर्थ युक्त है और उसके मन भाव सब भरा हुआ है। अध्यात्म विषय में तो ये एक ही पुस्तक है, इसके मुकाबले की कोई पुस्तक देखने सुनने के मां नहीं आती। और ये उत्सव के बहाने से भगवान की स्मृति हो जाती है, अर्जुन की स्मृति हो जाती है, वेद व्यास जी की स्मृति हो जाती है, गणेश जी की स्मृति हो जाती है। इसलिए गणेश जी की, वेद व्यास जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की और गीता की पूजा आज के दिन करनी चाहिए, क्योंकि गीता जो है तो महाभारत के अंतर्गत है, भीष्म पर्व के अंतर्गत। भीष्म पर्व की 24वें अध्याय से गीता आरंभ होती है और भीष्म पर्व की 42वीं जो अध्याय यहाँ समाप्ति होती है। आपको मालूम है कि सारी जो गीता है भगवान ने अर्जुन को कही है और वेद व्यास जी ने उनका संस्कृत के बीच के में अनुवाद किया है। बहुत से तो संस्कृत के श्लोक ही भगवान ने कहे हैं और बहुत सी परस्पर की जो बातचीत थी अपनी भाषा में उसको वेद व्यास जी ने श्लोकों के बीच के में ग्रंथित कर करके एक पुस्तक का रूप दे दिया है। और ये भी आपको मालूम कराया जाता है, वेद व्यास जी के हृदय के बीच के मां ये बात आई कि मैं भारत का जो इतिहास है वो सब का सब श्लोक बद कर के रख दूं जो सदा के लिए काम आएगा। किंतु उन्होंने विचार किया इसका लेखक ऐसा होना चाहिए जो तेजी के साथ लिखने वाला हो। सोच करके ये निश्चय हुआ कि संसार के मास्टर से बढ़कर लेखकों में जैसे स्त्रियों में शारदा है ऐसे पुरुषों में श्री गणेश जी है, तो गणेश जी को चुना। गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी प्रकट हुए तो प्रार्थना की वेद व्यास जी ने कि मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ और आपके जैसा लेखक संसार में नहीं है, इस वास्ते मैं तो एक प्रकार से श्लोकों को बोलता हूँ, रंग राप लिखते रहो। तो गणेश जी ने कहा कि ये बात सही है, मैं लिखूंगा, किंतु एक मेरी शर्त है कि मैं लिखना शुरू कर दूंगा तब तक मेरी कलम बंद नहीं होगी, मैं दिन और रात लिखता ही रहूंगा। जहाँ आप ग्रंथ को बोलना बंद किया मैं वहीं समाप्त कर दूं। तो आपका कथन सुनकर के वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, आप ऐसा ही करिए, किंतु साथ साथ के बीच के मां आप इसका अर्थ भी लिखता रहिए। संस्कृत जो श्लोक है उसके ऊपर आप साथ साथ में टीका भी करते रहिए। वेद व्यास जी ने सोचा कि टीका लिखेंगे इतने में आगे के श्लोकों की रचना कर लूंगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत ठीक। तो उनकी लेखनी बड़ी जोर से चलने लगी, तब वेद व्यास जी स्थल स्थल के ऊपर इस प्रकार के जटिल श्लोक रख दिया करते थे, तो गणेश जी को उसके अर्थ लिखने में, टीका लिखने में समझ कर लिखने के बाद समय अधिक लग जाता, अधिक लग जाता था, तो वे और आगे की टीका और आगे के श्लोकों को रच लेते थे। इस प्रकार से बतलाया जाता है कि करीब 1,00,000 श्लोक की रचना वेद व्यास जी ने की। उनके अंतर्गत भीष्म पर्व में ये गीता आती, इसलिए गीता गणेश जी के द्वारा लिखी गई और व्यास जी ने लिखाई। और अर्जुन जो है श्रोता है और भगवान वक्ता है,
इसलिए गणेश जी की और व्यास जी की और भगवान की और गीता की अवश्य पूजा करनी चाहिए आज के दिन, जो कि प्रातः काल की गई। गीता के बीच के मान जो है 18 अध्याय है, 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कितने आदमी इस प्रकार से मानते हैं कि पहली 6 अध्याय के वहां कर्म कांड की बात है और बीच की 6 अध्याय के वहां उपासना कांड और अंत की 6 अध्याय के वहां ज्ञान कांड, किंतु ठीक इसी प्रकार ऐसा नहीं है। कर्मकांड के अंतर्गत तो समझो कि सहकाम कर्म का विषय अधिक है और गीता के बीच के मां सहकाम कर्म का विषय बहुत ही कम आया है। कर्म का जो विषय आया है वो आपने निष्काम कर्म का विषय आया है, इसलिए उसको कर्म योग कह सकते हैं। और कर्म योग भी पहली 6 अध्याय के मां केवल कर्म योग ही आया हो ऐसी बात नहीं। आप ध्यान देकर के देखो, 4 अध्याय के मां ज्ञान का विषय आया है, 5 अध्याय के बीच के मां ज्ञान योग का विषय आया है, 6 अध्याय के मां ज्ञान योग का विषय आया है। तो केवल कर्म योग का ही विषय ये बात भी नहीं कही जा सकती। 4 अध्याय के मां भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न चतुर्दर्शी न यद ज्ञातवा न पुनर्मोह नैवं यशसि पांडव है येन भूतान शेषेण दर्शसि आत्मनि अथो मई। इसका ये अर्थ होता है कि तत् माने वे ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जुन विधि माने तू जान। किस प्रकार से जानू कि महात्मा जो तत्वदर्शी पुरुष है उनको साष्टांग नमस्कार करके उनकी सेवा कर करके और उनके साथ में वार्तालाप कर करके प्रश्न उत्तर करके जिज्ञासु भाव से प्रश्न उत्तर करके परिप्रश्ने ने तद विधि माने उसको तू जान। तो अच्छी प्रकार से थी जिज्ञासु भाव से प्रश्न उत्तर करके और वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस ज्ञान को तू जान करके फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा और फिर इस ज्ञान से सारे प्राणियों को तू अपनी आत्मा के बीच के मां देखेगा यानी अनुभव करेगा और उसके बाद तू मुझ परमात्मा के मां सारे ब्रह्मांड को देखेगा। फिर ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं अति चेष्टि पापे भव सर्वे भय पाप कृत में सर्व ज्ञान पलवे नहीं है वृजिनंग संतरी शशि। अर्जुन तू निष्पाप है किंतु यदि दुनिया में जितने जो पापी है उन सबसे अधिक तर्जनी पापी हुए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू पाप सागर को लांघ जाएगा। ये गीता की 4 अध्याय का 36 का श्लोक है। फिर कहते हैं 37 के श्लोक में यथेधांसि समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा जैसे प्रज्वलित हुआ अग्नि इन को भस्म कर डालता है इसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब पापों को भस्म कर देता है। फिर 38 के श्लोक में कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वंग योग संसिद कालिनात्म निबिंदती। संसार के मां ज्ञान के समान कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है वह काल करके योग संसिद्ध वह पुरुष अपनी आत्मा में अपने आप स्वयं ये सो प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगते इंद्रिय है ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचरणादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कैसा श्रद्धावान कि साधन के लिए तत्पर
और मन और इंद्रियां जिसके बस में हो ऐसा श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मचरणादि गच्छति, ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र ये सो अपने प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के विचार करने से ये मालूम होता है कि चौथी अध्याय के बीच के में जो है ज्ञान का विषय काफी आया है, और इसके पहले भी इस चौथी अध्याय के 24 और 25 के श्लोक में भी ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञान योग का विषय है। कि जैसे ब्रह्मार्पण, ब्रह्मवीर, ब्रह्मागनव, ब्रह्मणावतम, ब्रह्मेतन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि ना, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि चौथी अध्याय में केवल कर्म योग ही नहीं है, ज्ञान योग भी है। इसी प्रकार से थी पांचवी अध्याय के मां भी ज्ञान योग का विषय काफी आया है। पांचवी अध्याय के मां ज्ञान योग का विषय 8 और 9 के श्लोक में और 13 के श्लोक से लेकर के 26 के श्लोक तक ज्ञान का प्रकरण बड़े विस्तार के साथ में आया है। 17 के श्लोक में, पांचवी अध्याय के 17 के श्लोक में भगवान कहते हैं, सद्बुद्धे सदात्मा न स्तन निष्ठा सत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कलमशः। ज्ञान निर्धुत कलमशः पुरुषः, ज्ञान करके जिनके सारे पाप धुप गए हैं ऐसे पुरुष। और कैसे पुरुष? कि भगवत रूपी जिनकी बुद्धि हो गई है और भगवत में तद्रूप मन हो गया है और स्वयं भगवत के स्वरूप में स्थिति हो गई है और उस परमात्मा के जो परायण हो गए है, ऐसे जो ज्ञानी जो है वे अपुनरावृत्ति को यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। और भी साफ कहते हैं कि विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनिश्चय स्वपाके पंडिता समदर्शी न। विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में ज्ञानी जो है समदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो प्रकरण जो है अपने ज्ञान योग का, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, उसी का प्रकरण है। ऐसे ही छठी अध्याय के बीच के मां भी ज्ञान योग का प्रकरण है। आत्मोपमेन सर्वत्र समंग पश्यति अर्जुन सुखं वा दिवा दुखं सहयोगी परममतः। ये गीता की छठी अध्याय का 32 का श्लोक है। इसका भाव यह है, जो अपने आत्मा के उपमा के समान, अपने देह के समान सब प्राणियों के बीच के मां जो समभाव से देखता है, सब में सुख और दुख को भी समभाव से देखता है, मेरे मत के मां वह परम योगी माने परम सांख्य योगी है। पहले भी छठी अध्याय के 29 के श्लोक में सर्वभूतस्म आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शने। सर्वत्र समदर्शन करने वाला योग युक्त आत्मा पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और आत्मा में सारे भूतों को देखता है। और इसके पहले भी इस छठे अध्याय के बीच के मां 18 के श्लोक से लेकर करके और 29 के श्लोक तक है सांख्य योग का यानी ज्ञान योग का विषय सो बताया गया है। निर्गुण निराकार सच्चिदान ब्रह्म का अभेद रूप से प्रकरण है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं, इसी को सांख्य योग कहते हैं। तो इससे ये बात निश्चय हो जाती है कि पहली 6 अध्याय के बीच के मां केवल कर्म योगी हुए ऐसी बात नहीं है, और 6 अध्याय के मां भक्ति योग भी है ही। दूसरी अध्याय के बीच के मां अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं 61 के श्लोक में, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि माने उस सारी इंद्रियों को तू, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्पर वशिष्ठ इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने उन सारी इंद्रियों को वश में कर कर के और मन को बस में करके के जो पुरुष
मेरे परायण होकर के बैठता है, जिसकी इंद्रियां बस में उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि स्वस्थित है। इसी प्रकार से गीता की तीसरी अध्याय के मां भी भक्ति का विषय आता है। तीसरी अध्याय के 30 के श्लोक में चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य ध्यातम चेतस निराशिर निर्मो भूत्वा युद्धस्य युक्त ज्वर। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उन सब कर्मों को तू मेरे में समर्पण कर दे। अध्यात्म चित्त से थी, ध्यान युक्त चित्त से थी, सारे कर्मों को तू मुझे परमात्मा में समर्पण कर दे और आशा रहित ममता रहित और युक्त जुर्म। और चौथी अध्याय के वहां तो बहुत से श्लोक भक्ति के मिलते ही हैं। अवतारवाद के जितने श्लोक हैं वे भक्ति के हैं। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ये जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनो। ये भगवान ने चौथी अध्याय के बीच के मां ये बात कही है। ये चौथी अध्याय के 8 और 9 के श्लोक हैं। इसके पहले भी अवतारवाद का विषय आरंभ हो गया है और आगे भी जाकर के भगवान ने अपनी भक्ति साफ शब्दों में कही है कि ये था मांग प्रपद्म ते तां सते भजामि हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। ये चौथी अध्याय का 11 का श्लोक है। इसका ये भाव है जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। सवे बुद्धिमान मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं। और इसी प्रकार से थी 5वें अध्याय के मां भी भक्ति का विषय आता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदंश भूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मरिच्छति। ये गीता की 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यानी 29 का श्लोक है। इसका ये भाव है मुझ परमात्मा को सब यज्ञ और तपों का भोगता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब प्राणियों का सुहृद जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। और 6वें अध्याय के मां तो कई श्लोक ऐसे आते हैं। युवांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। जो पुरुष मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता और वह कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। या मैं उसको देखता रहता हूँ और मुझको देखता रहता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। अर्जुन सारे भूतों के मां मैं जो स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा के मां जो एक ही भाव से स्थित है, मुझ में जो तन्मय होकर के स्थित है और तन्मय स्थित होकर के संसार के बीच के मां जो वर्तता है, यदि संसार के बीच में विचरण करता है वह मेरे में विचरण करता है। ये गीता की 6वें अध्याय के 30 और 31 के श्लोक हैं। और इस अध्याय के अंत में भी योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सैमे युत तमो मतः। पहला ये बात कही इसके पहला कि तपस्वी व्योधिको योगी अज्ञानी व्योगी मतोधिको कर्मी व्यस्याधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुन। अर्जुन तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों को बस में कर करके और धर्म के लिए जो कष्ट सहन करे और उस कष्ट से मन और इंद्रियों को तपावे वह तपस्वी। तो इस प्रकार से तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है और सहकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। योगी निष्काम कर्मी है, सहकाम कर्मी नहीं। चाहे सांख योग की दृष्टि से करे, चाहे कर्म योग की दृष्टि से करे। कर्मी का मतलब है कर्मों का शास्त्र विधि के अनुसार विस्तार से सहकाम भाव से करने वाला।
और तपस्वी का मतलब है कि कर्मों का विस्तार न करके, कर्मों का संकोच करके, कर्मों का समझो कि त्याग कर करके और मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख करके तपस्या करने वाला। तो योगी ऐसा तपस्वी से श्रेष्ठ, कर्मी से श्रेष्ठ और ज्ञानी से श्रेष्ठ। यहाँ ज्ञानी माने शास्त्र के जानने वाला और जिसको परमात्मा के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो गया है, अपरोक्ष नहीं, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति नहीं, ऐसा जो साधक है, केवल समझो कि शास्त्रों का उसको ज्ञान है किंतु वास्तव में जो परमार्थ विषय का जो यथार्थ ज्ञान है वो नहीं है, ऐसे ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। योगी का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति का साधक, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, ये सब प्रकार के जितने जो साधन परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य जो करने वाले हैं, वे सभी योगी की योगी के नाम से कहे गए हैं। उन योगियों में सबसे बढ़कर कौन है उसके लिए कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। सर्वेषां योगी नाम अपि, सारे योगियों के बीच के मां जो मेरे में मन को लगा करके और श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजते हैं, वे सब में श्रेष्ठ हैं। श्रद्धावान भजते में युक्त तमो मत, मेरे मत में वह युक्ततम है। योगी नाम अभी सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते योमांग समय युक्त तमो मत, संपूर्ण योगियों के मां जो श्रद्धा युक्त और मेरे में मन को लगा करके मेरा भजन करने वाला भक्त जो योगी है वो श्रेष्ठ है। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि पहली छह अध्याय के मां केवल कर्म योगी हो ऐसी बात नहीं है, उसके अंतर्गत भक्ति योग और ज्ञान योग भी है। किंतु ये बात जरूर है कि कर्म योग का प्रकरण इस छह अध्याय के मां जितना आया है, इतना आगे की 12 अध्याय के मां नहीं है, संक्षेप से है और इन छह अध्याय में विस्तार से है, इसलिए कर्म योग की इसमें प्रधानता बतलाई जा सकती है। अब और जो 12 अध्याय का विषय है, फिर कभी मौका मिले तो कहा जा सकता है। सार सार बात आपको छह अध्याय की बतलाई कि अधिकांश लोग तो कर्मयोग के ही हैं, पहली अध्याय के बीच के मां तो कोई योग नहीं है, उसको तो विषाद योग के नाम से कहा है, यानी अर्जुन का जो विषाद है, दुख है, उसको योग पद क्यों दिया गया कि इतना भारी उसको दुख होया कि दुख में उसका चित्त एकाग्र हो गया और चित्त की एकाग्रता का नाम योग है, इसलिए इसको योग का रूप दिया गया। और 5 अध्याय के बीच के मां कर्म योग का विषय प्रधानता से है और प्रकरण के अनुसार ज्ञान योग और भक्ति योग का विषय भी आया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।